अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान अली और आप देख रहे हैं टेक्निक्स बाय टीचर पी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है जी फेसबुक वॉच टाइम के बारे में कि किस तरह से हमने अपने फेसबुक चैनल पे वॉच टाइम पूरा करना है और किस तरह से उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। मोनेटाइजेशन के लिए जो अप्लाई करना होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ इस वीडियो में कि हमने किस तरह से अपने यूट्यूब पर वॉच टाइम 4000 घंटे किस तरह से उसको पूरा करना है। ये बिल्कुल एक यूनिक ट्रिक है, इसके पहले बहुत से कम लोगों को पता है मगर इसको किस तरह से चलाना है वो हर बंदे को नहीं पता। वो मैं आज इंशाल्लाह आपको इसका कंप्लीट मेथड शेयर कर दूंगा। वो कुछ खास मुश्किल नहीं है लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, वरना कुछ सवाल रह जाएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दे सकता हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसको बनकर पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका नाम है क्रोम प्रोफाइल जनरेटर। जैसा कि नाम से जा रहा है कि ये क्रोम की प्रोफाइल्स को जनरेट करता है। तो हमने बहुत सारे क्रोम में जब जनरेट करने होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आसानी से इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही आसान वर्क करता है। इसका वर्क भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली तौर पर हमने इसको डबल क्लिक करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पहले वन लिखा हुआ है ये इसकी वो काउंटेशन बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं इसको बता देता हूँ कि 1000 से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने क्लोन जनरेट करूँ। 10 क्लोन जनरेट करूँ, 20 करूँ। फिलहाल नेट मेरा थोड़ा सा स्लो है तो मैं 10 क्लोन जनरेट करूँगा। अगर आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा है, फास्ट है तो आप इसको ज़्यादा भी क्लोन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्लोन क्लिक कर दिया और ये सिंपली इसने जनरेट कर दिया। इसको हम कर देते हैं कैंसिल। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने काफ़ी रश डाला हुआ है तो हम इधर इस पर नया फोल्डर बना के वॉच टाइम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने और ये तमाम क्लोन मैंने उठाकर इस फोल्डर में डाल दिया ताकि हमें काम करने में आसानी हो और इतने रश की वजह से हमें कोई मुश्किल ना हो। तो एक क्रोम रह गया, 9 आए हैं इधर, तो सॉरी कहाँ गया एक, अच्छा छोड़ दें इसको, इधर कहीं घूम रहा होगा, उसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा भाई, तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से हमने प्रोफाइल को जनरेट करना है। इस तरह हमने प्रोफाइल को जनरेट कर लिया। इसके बाद एक अहम बात बताने वाली ये है कि जैसे एक ही हमारा कंप्यूटर होगा उस पर एक ही इंटरनेट होगा जिसको हमने कनेक्ट किया होगा, तो फिर उसका आईपी भी होगा, सारी सी बात है सेम ही। सभी जो टैब्स होंगी, सभी जो गूगल के क्रोम्स होंगे उन पर एक ही आईपी होगा। तो जब एक आईपी होगा तो फिर मसला होगा। इसी का सलूशन ये है कि हम सब क्रोम्स में एक अलग-अलग एक, मैं आपको ZenMate VPN डाउनलोड करके दिखाता हूँ, वो डाउनलोड करेंगे और सबकी कंट्री मुफ्त करके लगा देंगे ताकि सब जो हमारे क्रोम्स हैं उनकी सबकी आईपी और एड्रेस चेंज हो जाए और उनकी लोकेशन भी चेंज हो जाए ताकि फेसबुक उसको यूट्यूब उसको डिटेक्ट ना कर सके और वो हमारा वॉच टाइम ड्रॉप ना हो सके। बेसिकली जब हम लगाते हैं वॉच टाइम तो जो लोग लगाते हैं आमतौर पर जिनको ज़्यादा इलम नहीं होता बेचारों को, तो वो क्या करते हैं कि एक ही क्रोम में मुख्तलिफ टैब्स में खोल कर वीडियो चला देते हैं, वो चलती रहती है। वो वक्तन तो बढ़ जाता है लेकिन वो बाद में ड्रॉप हो जाता है एक दो दिन बाद। जो हम बना रहे हैं वो इंशाल्लाह हमारा ड्रॉप नहीं होगा। तो अच्छा जी, तो हम दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं भाई, देख सकते हैं आप। तो मैंने पहला क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करूँगा। अगर आप डायरेक्ट इधर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपल आप क्लिक करेंगे, वेब स्टोर लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इधर हमने लिखना है ZenMate, ये ठीक है। ये सबसे पहले आप आगे इसका आप इंटरफेस देख सकते हैं और सिंपल यहाँ पे ऐड क्रोम पे क्लिक करूँगा, ऐड एक्सटेंशन और मेरे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, जैसे ही लोडिंग लेगा यहाँ पर हमारे ऐड हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको सामने पिन कर देंगे। ठीक है, इधर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे ये लोकेशन बता रहा है, जो भी आप लोकेशन लगाना चाहें लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब पर अलग-अलग लोकेशन लगाएं ताकि मसला ना आए कोई भी किसी भी तरह का। ठीक है, मैं इस पर यूनाइटेड किंगडम लगाता हूँ। ठीक है, सॉरी ये यूनाइटेड किंगडम वो प्रीमियम है, इसको हमने बाय करना पड़ेगा लेकिन हम फ्री वाले हैं तो ये जो चार हैं इसके नीचे भी हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जर्मनी
तो ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह हमने सारे क्रोम्स जो हैं उनमें एक ही जो ये जो वीपीएन है हमने ऐड कर लेना है और इसको बंद कर दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। हमारा वीपीएन ये देख सकते हैं अटैच हुआ पड़ा है, ऐड हुआ पड़ा है, ये हो रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बंद भी हो जाए तो भी मसला नहीं है। ठीक है, अब आगे है कि जो पहले मैं अपने आपको बताया था कि जिस तरह से वीडियो लोग चला रहे थे, एक एक वीडियो का लिंक उठाया, अब उसी तरीके से के साथ जिस तरह से लोग कुछ करते हैं, हम उठाएंगे पहला क्रोम खोलें और उस यूट्यूब का लिंक उठाएंगे वीडियो का, वो बहुत ही लेजीपन हो जाएगा, बहुत ही टाइम। हम करने वाले हैं फास्ट काम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको बताता हूँ एक तरीका। यहाँ पे क्लिक करके आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना है और इसको खोलना है और यहाँ पे हमने लिखना है एट पी सी एच ओ स्पेस और यहाँ पे स्पेस देनी है। और अब हमने क्या करना है, अपने वीडियो उठानी है जिस पर हमने वो क्या कहते हैं वाई टाइम लगाना है। तो आप यूट्यूब से अपनी वीडियो का लिंक उठाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब खोली मैंने, मैं अपने चैनल का ही लिंक दिखा देता हूँ, टेक्निक्स बाय टीजर। ये मेरा चैनल आ चुका है, तो मैं देखता हूँ जिस पर मेरे थोड़े से वीडियो पे व्यूज़ हों मैं उस पर लगाऊंगा ताकि उसका हमें आसानी के साथ जो चेंजिंग आई है वो पता लग सके। मैं क्लिक किया, ये वीडियो मेरी चलने लगी है, तो सिंपली क्लिक करके हम इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लिंक को कर देना है पेस्ट, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हम पर यहाँ पर लिखना है ये वाला जो क्रोम हमने स्टार्ट करवाना है, इसका लिंक कॉपी कर लें, कॉपी, और यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। और इस दोनों के दरमियान में लिंक के और जो हमारा क्रोम है उसके दरमियान में हमने लगा दी है एक स्पेस। ठीक है, ये पहले क्रोम में ये वाली वीडियो चलेगी, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे क्रोम में या तीसरे क्रोम में अलहदा अलहदा वीडियो चलें तो जिस तरह मैंने बताया है कि आपने यहाँ पे इसको दोबारा कॉपी करना है, कॉपी क्या कहते हैं, इधर ले जाकर इसको इंटर कर देता हूँ काफ़ी बार ताकि बार बार ना आए। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे क्रोम 2 के अंदर आप देख सकते हैं मैं दूसरी वीडियो चलाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यही वीडियो चलाए तो फिर आप इसी का लिंक इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो चले जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक किया, यूट्यूब दोबारा खोलनी पड़ेगी, बंद हो चुकी थी। चलिए कोई भी वीडियो उठा लेते हैं, जिस तरह ये उठा लें, इसका ये वाली लिंक चलाना चाहिए, ऐड करके इसको छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस डाली और लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, टोटल हमारे पास जो क्रोम है वो 9 तक हैं, तो हम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं तो चाह रहा था जो मेरी वीडियो है वही चले सब पर, क्योंकि हमने अपनी वीडियो पर वाइट टाइम पूरा करना है, बाकी का नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, इंटर कंट्रोल भी, इंटर कंट्रोल भी, इंटर, इस तरह से हमने कर लेना है सब पर। ठीक है, जितने हमारे क्रोम है उतनी बार हमने कर लिया। यहाँ पे हमने क्रोम का अगला जो क्रोम है उसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है, इस तरह हमने चेंज करते जाना है। ठीक है, इसका नाम 5 है, अगला क्रोम है जो उसका नाम 6 और 7 8 और 9, ये मैंने ज़्यादा डाल दिए थे, हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये डिलीट कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया है जी, जो पहली वीडियो है वो हमारी है, उसके अलावा जो दूसरी वीडियो है इसका लिंक देख सकते हैं ये चेंज है, ये किसी और का है, तो बाकी जो सारे हैं उसी पे भी हमारी ही वीडियो है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा है, इसमें जो चीज़ लिखी है इसको आप बिल्कुल इसी तरह लिखना है, कोई इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, ये एट ई सी एच ओ डॉट स्पेस ऑफ और स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से सारे कर देना है और यहाँ फाइल पर क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अपने नाम पे चैनल का नाम ही दे देता हूँ, ठीक, बाय टीजेडपी। और अहम बात इसमें बताने वाली ये है कि अब जैसे ही हम कोई नाम लिखेंगे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, और इसमें जो ज़रूरी है वो है यहाँ पे .bat बैट लिखना जरूरी है। अगर आप जो नाम लिख के स्पेस के बाद डॉट बैट लिखेंगे फिर भी फायदा नहीं है, आपको ये इसी तरह लिखना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको लिखकर दिखाया। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ये सेव हो चुकी, इसको बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अब। अच्छा, ये कहाँ गया हमारा, ये आ चुका है टेक्निक्स बैट टीजर भी, इसको मैं कट कर लेता हूँ। इसमें एक और अहम बात है,
इसको हमने वहाँ रखना है जहाँ पर हमारे क्लोन पड़े हुए होंगे, क्रोम के क्लोन। अगर हम इधर ही इसको स्टार्ट करते हैं कोई स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा सकता था मगर फिलहाल टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम इसको इधर पेस्ट कर लेंगे। ये जो पहला हमने बनाया था इसको डिलीट करते हैं, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिंपल आपने इसको डबल क्लिक करना है और जो हमारे सारे क्लोन वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप सारे क्लोन खुल चुके हैं, ठीक है। ये पहला क्लोन है हमारा, इस पर जो वीडियो चलनी स्टार्ट होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से इस तरह है। अगर आपका इंटरनेट तेज़ होगा तो आप उसी लिहाज के साथ इसको क्लोन बनाएंगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था तो मैंने इस पर 9-10 चला दिए, इतने नहीं चलाने। आपका इंटरनेट अगर अच्छा है, वाईफाई लगी हुई, तो फिर आप ज़्यादा चला सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप वीडियो चल गई है। इस तरह इसको हमें चलती रहने देना है और हमारा जो वाइट टाइम वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो हमारा दूसरे नंबर वाला था, ठीक है। ये देख सकते हैं ये सब पर वो एक ही चला है जो मेरी अपनी वीडियो थी, लेकिन ये देख सकते हैं ये दूसरे नंबर वाला क्रोम था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर वाला क्रोम है हमारा, ठीक है। तो इस पर जो मैंने किसी और की वीडियो चलाई थी वो चल पड़ी है। इसी तरह इसको चलते रहने देना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपका वाइट टाइम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। जैसे ही पूरा होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी मैं तरीकाकार अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल आए, अगर यहाँ कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब इसका जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में इंशाल्लाह। अपना अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।